तो यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ कामे 2.0। तो गाइस मेरे घर के पास के जितने भी दोस्त हैं हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग जाएंगे कहीं डिनर करने। हम लोगों ने लोकेशन तो डिसाइड नहीं करी है बट कहाँ जाएंगे वो अभी हम लोग सारे मिलकर ही डिसाइड करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आज मैं आप लोगों को अपने दोस्तों से भी मिलाऊंगा। बाकी देखते हैं अब हम लोग कहाँ जाते हैं डिनर करने। तो फटाफट से मैं चलता हूँ अपने दोस्तों से मिलने। कहाँ जा रहे हैं फिर हम लोग धनुज? हम जा रहे हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तू बता। हम जा रहे हैं पायरेट्स ऑफ ग्रिल्स। अच्छा, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पायरेट्स ऑफ ग्रिल वसंत कुंज प्रोमिनेंट मॉल में। तो अभी हम यही डिसाइड किया अभी हम सब लोगों ने। गाइस धनुज ये मेरा दोस्त है जो अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा। आती है ना चलानी धनुज? देखते हैं भाई। ओके एंड गाइस ये है कुणाल भैया। कैसे भैया? हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। तो गाइस कुणाल भैया जो है वो धनुज के बड़े भैया हैं और बाकी कार्तिक भी आया। सलाम, कैसा है कार्तिक? बढ़िया भाई, आपका सर? बढ़िया। कार्तिक परमिशन लेके आया ना? हाँ भाई। चलो ठीक है भाई। तो गाइस फटाफट से अभी हम लोग चलते हैं वसंत कुंज प्रोमिनेंट मॉल। बाकी देखते हैं फिर क्या होता है। तो गाइस मेरा तो ये मतलब पहला एक्सपीरियंस है पायरेट्स ऑफ ग्रिल में। बाकी अब देखते हैं। कार्तिक तू तो जा रखा है ना? हाँ, एक बार गया मैं। अच्छा तू एक बार गया हुआ है? किस चीज के लिए फेमस है वो? या वो बेसिकली बारबेक्यू नेशन का बड़ा भाई, तू मान ले जो बारबेक्यू नेशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ सेम चीज है, बस वहाँ पे आइटम्स ज्यादा है और क्वालिटी ऑफ क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छा धनुष तू जा रखा है क्या पहले? हाँ एक बार चंडीगढ़ वाले में। अच्छा तो चंडीगढ़ वाले में गया था। कुणाल भी आप गए हो? हाँ मैं धनुष के साथ ही गया था। अच्छा मतलब ये सारे जा रुके हैं, मतलब मेरा ही पहला एक्सपीरियंस है। तो वहीं जाके भी पता चलेगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ पे। तो उनकी थीम काफी अच्छी है, देखते कैसी थीम होती है। अच्छा हाँ वैसे सुन के तो ये लग रहा है पायरेट्स, मतलब वहाँ पे मतलब पायरेट्स जैसा कुछ थीम होगा अंदर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई, वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या होता है। बाकी जाम वगैरह तो आज मिल नहीं रहा है हमें रोड पे बिल्कुल भी, एकदम इजीली हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी फटाफट से पहुंचते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रोमिनेंट मॉल वसंत कुंज एंड जो हमारा पायरेट्स ऑफ ग्रिल रेस्टोरेंट है वो सेकंड फ्लोर पे है ना धनुज? तो अभी हम लोग फटाफट से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। बाकी भाई बहुत बढ़िया मॉल है यार, मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ तो मुझे तो याद भी नहीं था, बहुत बढ़िया मॉल है। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो गाइस अभी क्या हुआ कि हम लोगों को जाना तो था पायरेट्स ऑफ ग्रिल जो कि आप लोगों को मैंने अभी बता ही दिया था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ना दो मॉल है, एक है एम्बियंस और एक है प्रोमिनेंट। तो जो पायरेट्स ऑफ ग्रिल है वो शायद एम्बियंस मॉल में है और हम लोग चले गए प्रोमिनेंट मॉल में। कार्तिक भाई जो हमें अच्छे से गाइड कर रहे थे तो वो भाई ने हमें पूरा मॉल घुमा दिया और बाद में हमें पता चला कि पायरेट्स ऑफ ग्रिल जो है वो है एम्बियंस मॉल में। तो मतलब पूरा हम लोग प्रोमिनेंट घूम रहे हैं, सोच रहे कि अब मिलेगा फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर हर जगह हर फ्लोर पर जा रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि पायरेट्स ऑफ ग्रिल जो है वो एम्बियंस मॉल में। तो गाइस अगर आप लोग भी कभी आओ तो आप लोग भी कंफ्यूज मत होना, पायरेट्स ऑफ ग्रिल जो है वो है एम्बियंस मॉल में। हाँ एम्बियंस मॉल में याद हो गया। तो फटाफट से पहुँचते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पायरेट्स ऑफ ग्रिल एंड ये जो है थर्ड फ्लोर पे है। एंड धनुष हमें कितना टाइम लगा होगा अपने घर साकेत से यहाँ आने में? 35 मिनट्स बिना ट्रैफिक के, 30 मिनट, आधा घंटा। अच्छा आधा घंटा। तो गाइस अभी हम लोगों को साकेत से एम्बियंस मॉल में आधा घंटा लग गया है और रात में है तो ज़्यादा जाम भी नहीं मिला हमें। बाकी जैसे आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि आप लोगों को वेज चाहिए तो नॉन वेज चाहिए, तो हम लोगों ने बोल दिया है कि हम चारों के लिए वेज कर देना। बाकी अब हम लोग देखते हैं आगे। तो गाइस अभी जो है हमारे मतलब स्टार्टर आया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो और बाकी जो है आप लोग स्टार्टर को जो है रिपीट भी करवा सकते हो जैसा आप लोगों को पसंद आए। बाकी ये हमारे गोलगप्पे रखे हुए हैं और ये हमारे जो है स्प्राउट्स रखे हुए हैं। ये हाईजैक हो चुका है कैमरा। बहुत कुछ है खाने को, कभी भी आइए हमें बुलाइए साथ में।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। तो गाइस अब हमारी ड्रिंक्स भी आ चुकी है। कार्तिक तेरी ड्रिंक का नाम क्या है? सनराइज। सनराइज। और कुणाल भैया आपकी ड्रिंक का नाम क्या है? सिंड्रेला। सिंड्रेला, अरे वाह क्या नाम है ड्रिंक का। और गाइस मैंने और धनुष ने तो सेम ही लिए। हमारी ड्रिंक का नाम क्या था धनुष? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी लेमनेड। ये रही मेरी और ये रही धनुष की। बाकी भाई कौन से यार बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगे भाई, कौन से तो बहुत ज्यादा अच्छे लगे। बाकी जो हमारा स्टार्टर है वो हमारा दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग भी आओ तो आप लोग भी रिपीट करवा सकते हो। सोया चाप, पनीर टिक्का, मशरूम। अच्छा और क्या क्या है? अच्छा गाइस आप लोग देख सकते हो सोया चाप में पूरी मलाई लग रखी है, देख सकते हो। तो गाइस अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं यहाँ के गोलगप्पे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैं खा के आप लोगों को रिव्यू करता हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब बहुत ऑसम है। तो गाइस अभी हम लोगों का जो है स्टार्टर ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग डिनर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा मतलब डिनर है जो आ चुका है। ये दाल मखनी है, ये कॉर्न है, ये वेज बिरयानी है, प्लेन राइस है, बाकी बटर नान और तंदूरी नान अभी हमारी आ रही है। बाकी गाइस मैं भी आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अभी हम लोगों ने जो है मतलब जैसे हम लोग एंटर करते तो उन लोगों ने हम लोगों से पूछा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वेज लेना चाह रहे हैं या फिर नॉन वेज लेना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है वेज लिया, तो हमारा स्टार्टर जो था वो सारा वेज आया, लेकिन धनुष ने जो है बुफे सिस्टम में जाके जो है नॉन वेज ले लिया है, मतलब फुल घोटाला कर दिया है। ले सकते हैं भाई, इसमें क्यों कोई दिक्कत थोड़ी, तुम मना कोई मना ही नहीं कर रहा, तुम्हें ले लिया। अच्छा ले सकते हैं, अच्छा कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं पूछना मत। पर ले सकते हैं। अच्छा ले सकते हैं, चलो ठीक है भाई, देखते हैं अब क्या होता है। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं पायरेट्स ऑफ ग्रिल से एंड ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था और मैं जितना हो सका उतना रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि मतलब थोड़ा वहाँ पे वैसा सीन भी था। तो बाकी ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि कभी भी वसंतपुर प्रोमिनेंट मॉल आओ तो यहाँ ज़रूर आना, बहुत अच्छा खाना है यहाँ का एंड बहुत ज़्यादा मतलब सर्विस भी अच्छी थी, मतलब बहुत काफ़ी फास्ट सर्विस थी, सर्विस भी बहुत अच्छी थी, बाकी अच्छे से मेंटेन कर रखा था रेस्टोरेंट को। तो फटाफट से घर को चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर और 11:30 के पास हम लोगों को मतलब थोड़ा लेट हो गया, 11:30 बज गए रात के। बाकी गाइस इन शॉर्ट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत टेस्टी खाना था और सर्विस भी अच्छी थी। बाकी मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर एक बार पायरेट्स ऑफ गर्ल्स ज़रूर जाना, मतलब एकदम वर्थ इट है, हमारा पूरा वर्थ इट लगा हम लोगों को वहाँ पे जाना। बाकी गाइस अगर मैं आप लोगों से बिल के बारे में बात करूँ तो 1000 पर पर्सन हम लोगों को वेज का पड़ गया था। बाकी नीचे स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही होगी कि वेज और नॉन वेज दोनों का जो है वीकडेज पे और वीकेंड्स में क्या प्राइस है, नीचे स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही होंगी। एंड बाकी मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो ड्रिंक्स थी वो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स होती है, दिन में मतलब उसका आपको दिन में कोई पे नहीं करना होता, लेकिन अगर आप लोग रात में जाओगे तो आप लोगों को उसका पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो है 1000 पर पर्सन वेज का जो है 4000 हो गया था क्योंकि हम चार बंदे थे, चारों ने वेज लिया था और 5000 का टोटल बिल बना था, जिसमें से जो है हमें ड्रिंक्स का पे करना पड़ गया था जो कि एक ड्रिंक 150 की थी तो चार ड्रिंक थी, और जो मिनरल वाटर है उसका भी हम लोगों को पे करना पड़ गया था अराउंड 20 के आसपास। तो इसी का मतलब सबका टोटल मिला के अराउंड 5000 के अराउंड बिल बन गया था। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स है वो दिन में फ्री होती है, मतलब उसका आपको दिन में कोई पे नहीं करना पड़ेगा, बट अगर आप रात में जाओगे तो आप लोगों को उसका पे करना पड़ेगा। बाकी आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेक श्योर गाइस आप लोग इस ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर कोई मेरी गलती हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव में, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। बाकी टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एडियोस फ्रेंड्स।